महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में 7वें नंबर के महादेव त्रिविष्टपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराहकल्प में एक बार नारद जी भ्रमण करते स्वर्ग में पहुंचे, वहां इंद्र के दर्शन किए। इंद्र ने पूछा कि महाराज, महाकाल वन का महात्म्य कथन करो। तब नारद जी ने बताया कि पृथ्वी पर नैमिष तीर्थ सब पापों का नाश करता है, उससे 10 गुना पुष्कर तीर्थ है, उससे गया, कूप, कुरुक्षेत्र, वाराणसी क्रमशः 10-10 गुना श्रेष्ठ हैं, उनसे भी 10 गुना महाकाल वन है जो तीनों लोकों का भूषण है। नारद जी ने बतलाया कि वहां अनेक लिंग शक्ति आदि निवास करते हैं। वहां मृत्यु होने पर मनुष्य, कीट, पतंग सभी को शिवलोक प्राप्त होता है। तब सब देवताओं के साथ इंद्र अवंतिकापुरी में आए, वहां के भवनों की शोभा देखी। तब देवताओं ने निश्चय किया कि वे यहीं पर निवास करेंगे, वापस स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग खाली हो गया, तब स्वर्ग भी महाकाल वन में आ गया। तब आकाशवाणी हुई कि हे त्रिविष्टप, मुझे भी यहीं स्थापित करो। यह स्थान करकोटक के पूर्व में तथा महामाया के दक्षिण में है। अष्टमी, चतुर्दशी या संक्रांति पर जो उनकी पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इसकी स्थापना के बाद त्रिविष्टप पुनः अपने लोक को चले गए। इतिहास के बारे में बताइए बाबा जी। बाबा महाकाल के 84 स्वरूप है पूरे उज्जैन में, उसमें से 4 स्वरूप जो है परिसर में है। यहाँ का इतिहास ऐसा है, नाम है बाबा का त्रिविष्टपेश्वर। त्रिविष्ट यानी संस्कृत शब्द है त्रिविष्ट, उसका हिंदी अर्थ होता है स्वर्ग। यहाँ की कथा ऐसी है कि एक बार नारद जी इंद्रलोक गए थे और इंद्रलोक में सभी देवताओं को महाकाल वन की महिमा बता रहे थे। सब देवताओं ने सुना और सब यहाँ पर आ गए, सब बाबा की भक्ति में लीन हो गए। काफ़ी समय तक स्वर्ग लोग खाली रहा, इंद्र अकेले बचे थे स्वर्ग में। बाद में इंद्र आए, उन्होंने देखा कि सब देवता यहाँ पर जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने बाबा महाकाल से भी याचना करी कि सभी देवता बिना देवताओं के स्वर्ग लोग पूरा जो है खाली है। तो बाबा के शब्दों में आकाशवाणी हुई थी कि सभी देवता मिलकर अपने नाम से इस जगह पर एक लिंग की स्थापना करें, उसका पूजन अर्चन करें, उससे तुम्हारा यहाँ का मोह छूटेगा और अपना दिव्यधाम प्राप्त होगा। जो अनुभूति तुम्हें यहाँ प्राप्त हो रही है वही अनुभूति आपको स्वर्ग लोक में प्राप्त होगी, और जो कोई भी इस लिंग के दर्शन करेगा उससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 84 स्वरूप में बाबा का नंबर है 7वां नंबर। सब देवता तो चले गए, नंदी महाराज जहाँ पर बैठे थे वो वहीं पर बैठे, ऐसी महिमा है। जय श्री। 84 महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।